नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलेक्टेड लाइन मल्टी रिसिप्ट टैली TDL के बारे में। ये नॉर्मली TDL करता क्या है दोस्तों, कि जब हम किसी पार्टी का मैं एक अकाउंट खोलता हूँ, जैसे मैंने ये अकाउंट खोला और अगर मैं इसके सारे स्टेटमेंट को आपके सामने ला दूँ, तो यहाँ पर इसके अलग अलग सेल बिल किए हुए हैं। अभी करना क्या होता है कि हम इसके बिल को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब ये 387 का बिल है, 191 का बिल है, तो इसका टुकड़ों में मुझे रिसिप्ट वाउचर काटना है, तो ये हमारे इस TDL से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये TDL आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस हमारा है ज्ञान अमृत TDL.com। ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर जिनको TDL लोड करने नहीं आता है वो ये वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू लोड TDL इन टैली प्राइम। जिन्हें ERP का देखना है वो यहाँ देख सकते हैं हाउ टू लोड TDL इन टैली ERP। और जो TDL आप डाउनलोड करेंगे वो कैसे एक्टिवेट करना है वो इस वीडियो में बताया गया है, हाउ टू एक्टिवेट TDL विथ लाइसेंस की। तो इसके बाद यहाँ पर ये पेज भी बना हुआ है TDL एक्टिवेशन नाम का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया है कि कैसे TDL को एक्टिवेट करना है टैली में और डीएक्टिवेट करना है। ये हमारे वेबसाइट से परचेज किए गए सारे TDL पर लागू होता है। जो भी TDL आप परचेज कीजिएगा उसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा एक खास प्रोसेस से, वो प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया है। अभी आते हैं होम पेज पे। आप यहाँ पर TDL को सर्च भी कर सकते हैं। ये हमारे WhatsApp ग्रुप का लिंक है, यहाँ आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं WhatsApp को, हमारे ग्रुप को, तो जो भी हमारा अपडेट होगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है सेलेक्टेड, यहाँ पर देखिए आ गया सेलेक्टेड लाइन मल्टी रिसिप्ट टैली TDL। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है, ये इसका जो वीडियो का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कैसे ये TDL वर्क करेगा, ये लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, इससे आप देख सकते हैं। हालांकि आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो यहाँ से आपको बाई करना है। अभी आते हैं वीडियो में कि कैसे हमारा TDL वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पर खोला है, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ही बिल को सेलेक्ट किया है। अभी मल्टी रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, बताएंगे ये कैसे रिसीव करना है, तो कैश के थ्रू करना है, किस डेट में करना है। अगर हम इसे यस करते हैं तो जिस डेट में बिलिंग है उसी डेट में ये वाउचर जनरेट कर देगा। पर हम आगे जाते हैं, हम बताएंगे 1 दिन से 5 दिन के बीच में ये वाउचर जनरेट करेगा, मतलब अगर बिल 1 अप्रैल का है तो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक ये वाउचर को जनरेट कर जाएगा। अगर हम इसे यस करते हैं तो ये क्या होगा, पहले मैं दोनों ऑप्शन यस करके ही दिखला दूँ आपको। ये मैंने यस किया, ये मैंने यस किया, और ये मैंने सेलेक्ट करके इंटर मारा। अभी आप देखिए ये क्या होता है कि ये हमारे पास 387 का एक बिल था और 387 का ये रिसीविंग हो गया, मतलब एक ही बिल में ये रिसीव हो गया। ये तो बस एकदम सिंपल। थोड़ा सा एडवांस करते हैं, अभी क्लिक करते हैं कैश में लेते हैं और इसे नो रखते हैं, और 1 से 5 लेते हैं इसे भी नो रखते हैं। अब बताएंगे जो हमारा रिसीविंग है वो हमारा 40,000 से 50,000 के बीच में होना चाहिए, और जो नियरेस्ट राउंडिंग है वो 25 है। अभी नियरेस्ट राउंडिंग क्या होती है मैं समझाता हूँ आपको। मैंने सेगमेंट दिया है 40,000 से 50,000 के बीच में हमारा रिसीविंग होना है। ये देखिए अभी ये बिल हमारा 387 का था, तो ये रिसीव कितना हुआ है ये देखिए आप राइट साइड में यहाँ देख सकते हैं, नीचे में 387,308, मतलब जितने का बिल था उतने का रिसीव हो गया है। अभी राउंडिंग 25 का मतलब क्या हुआ, जो भी अमाउंट आएगा 40 से 50 के बीच में, सारा अमाउंट है देखिए यहाँ पर, आप एक अमाउंट आपका भाग सकता है। क्यों, क्योंकि 40-40 अगर टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो अमाउंट पूरा थोड़ा ना होगा, तो एक जो वाउचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। अभी लास्ट वाला पॉइंट देखिए 50 है 75 है 25 है 75 है, यहाँ 75 है, यहाँ 100 है, मतलब वो 25 के राउंड अप में है, जो भी बिल बन रहा है वो 25 के राउंड अप में है, 75 25, वो 25 से डिवाइडेड है। अभी अगर 100 करके दिखलाते हैं हम आपको, ये डिलीट किया मैंने, अभी फिर से बनाते हैं, ये सेलेक्ट किया मैंने, मल्टी रिसिप्ट किया, इस बार जो है अमाउंट हम थोड़ा सा 25,000 से 50,000 रखते हैं और इसे 100 के राउंड अप में करते हैं। तो देखिए लास्ट में जो भी आएगा वो 100 से डिवाइडेड होगा अमाउंट। ये देखिए 378 का ये रिसीविंग हो चुका है, ये बिल 378 से क्लियर हो गया है। और ये देखिए सब 400 100 700 500, एक में सिर्फ अंतर रहेगा ही रहेगा, चूँकि लास्ट जो जनरेट होगा उसमें डिफरेंट देगा। तो ये देखिए जो भी हमने डेट दिया है वो अलग अलग डेट में, एक से लेके जो भी आपका 5-6 दिन का रेंज है उस रेंज में ये क्लियर हो गया है। अभी सेलेक्ट करते हैं, सेम यही फार्मूला दोस्तों आपका पेमेंट वाउचर पे भी लागू होगा। बहुत से केस में क्या होता है 10,000 से अधिक का रिसीविंग नहीं होना, तो उस केस में आप जो सेटिंग कीजिएगा यहाँ पर वो आप दे दीजिएगा कि 9,000 से 10,000 के बीच में रिसीविंग होना है,
यहाँ पर आप जो सेटिंग दीजिएगा 9 से 10 के बीच में दीजिएगा, मतलब जो भी पैरामीटर आप दीजिएगा उतने में ये रिसीव कर जाएगा। अभी चलिए आपको पूरा दिखलाते हैं, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया और मल्टी पेमेंट करते हैं इस बार यहाँ से, और ये देते हैं हम लोग यहाँ 40,000 से 60,000 के बीच में। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ये सारा पैरामीटर सेट कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप। मैं अभी यही करता हूँ, नियर सराउंडिंग में 100 दिया और अब ये एक एक करके वाउचर को जनरेट करेगा। अब ये निर्भर करता है आप दोस्तों कि क्या आपने सेटिंग की है, मतलब जो स्पीड है वो आपके सेटिंग पर निर्भर करता है, मतलब कितना ये रिसीट वाउचर जनरेट होने वाला है। अगर बड़ा बड़ा अमाउंट का दे देंगे तो रिसीट वाउचर जल्दी बन जाएगा, क्योंकि वाउचर नंबर ऑफ वाउचर कम जाएगा, पर अगर हम छोटा अमाउंट डालते हैं तो नंबर ऑफ वाउचर बढ़ जाने से ये थोड़ा टाइम लेगा, पर एक्यूरेसी रहेगी दोस्तों। अभी पूरा देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ में हमारे वेबसाइट www.gyanamritTDL.com को आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर कई सारे मैंने फ्री TDL भी पोस्ट किए हैं और पेड TDL भी है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा, सॉरी दोस्तों मैंने पेमेंट क्लिक कर दिया था तो ये सारा का सारा पेमेंट वाउचर जनरेट कर चुका है। ये देखिए सारा पेमेंट में आ गया। अब इसे तो डिलीट करना दोस्तों काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, अब इसे तो डिलीट करने में काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको ये लॉजिक तो पकड़ में आ ही गया होगा दोस्तों कि हुआ क्या है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर रेंज लगा कर फिल्टर लगाता हूँ, ताकि मैं रिसीट वाउचर को नेम वाउचर टाइप, ये वाउचर टाइप का फिल्टर शायद यहाँ पर नहीं है, वाउचर टाइप नेम इक्वल टू पेमेंट MENT पेमेंट। अब ये मैंने फिल्टर किया, सारा सेलेक्ट किया, अभी थोड़ा सा डिलीट होने में टाइम लगाएगा, तो होने देते हैं थोड़ा सा डिलीट इसे। ये डिलीट करने के बाद मैं फिर से आपको कुछ वाउचर पर इस बार दिखलाऊंगा, पूरे वाउचर पर नहीं दिखलाऊंगा, जो कि लंबा वो हो जाएगा। तो आपने ये एक तरह से आपने ये भी देख लिया कैसे ये रिसीट पे काम कर रहा है, कैसे पेमेंट पे काम कर रहा है। फिर भी मैं आपको एक स्टेप और दिखलाने वाला हूँ अभी कि आप, मैं इस बार 5 या 6 ही वाउचर उठाऊँगा और सारे वाउचर का रिसिप्ट के अगेंस्ट में आपको मैं एंट्री करके दिखलाऊँगा। तब तक आप यहाँ देखिए हमारे वेबसाइट पर, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मिलेगा कैटेगरी में जाइए, यह फ्री कैटेगरी है। यहाँ पर आपको मोर देन 80 TDL अवेलेबल है, जो कि देखिए 88 TDL है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर अच्छे अच्छे TDL भी दिया हुआ है दोस्तों, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए टैली का ये डिलीट करने का फंक्शन क्या है, 80-90 वाउचर है उसमें ये डिलीट करने में घूम रहा है, तो आपको ये क्विक डिलीट भी मिलेगा इसके लिए। आप देखिए यहाँ पर शायद मैंने डाला होगा क्विक, ये देखिए क्विक डिलीट इन GST रिपोर्ट भी एक है, क्विक डिलीट भी है। ये क्या है कि अगर 80 वाउचर जो अभी इतना टाइम लगा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, यहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपका 80-90 वाउचर रहेगा ये विथ इन 10 से 20 सेकंड में डिलीट कर देगा। तो अभी हम आपको दिखला रहे हैं 6:12 से, देखिए थोड़ा सा मैं डेटा को कम कर दूँ। ये मैंने 4 वाउचर को उठाया, सेलेक्ट किया, मल्टी रिसीट में गए, ये सारा रेंज यहाँ फीड है, और ये मैंने यहाँ से इस बार ये वाउचर जनरेटिंग में लगा दिया है। देखते हैं 14,20,000 का ये वाउचर है, टोटल 4 वाउचर मिला के 14,20,000 का ये वाउचर अमाउंट है। ये देखिए सारे वाउचर का रिसीविंग हो चुका है, आप यहाँ टोटल मिलाइए 14,20,732 रुपया 98 पैसा, और जो अमाउंट हमने दिया था 40 से 60 का, उसके बीच में सारा रिसीविंग हुआ है और 100 के राउंडिंग में हो। यही दोस्तों TDL को बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, यहाँ पर सर्च कर लें सेलेक्टेड लाइन मल्टी रिसीव्ड, ये देखिए ये TDL है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए TDL के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।